नमस्कार, आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज एक्सप्रेस। मैं हूं आपके साथ काजल। आइए रुक करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। ठेकेदारों और प्रशासनिक अधिकारियों की लापरवाही के चलते करीब 200 करोड़ रुपए की अमृत जल योजना के तहत हो रहे निर्माण कार्यों के अधर में लटकने से शहरवासियों का जीवन नरक से भी बदतर हो गया है। जगह जगह पर रास्तों को खोदकर उनमें सीवरेज लाइन डालकर छोड़ दिया गया है। इसके चलते वहां से वाहन तो क्या, लोगों का पैदल निकलना भी मुश्किल हो रहा है। नगर परिषद की सीमा के अंदर रहने वाले लोगों को पेयजल आपूर्ति के लिए अमृत जल योजना अगस्त 2018 में शुरू की गई थी और इसका पूरा काम मार्च 2020 में पूरा हो जाना था, लेकिन वर्ष 2021 खत्म होने की तरफ तेजी से बढ़ रहा है, लेकिन इस योजना का आधे से ज्यादा काम अटका पड़ा है। अब एक बार फिर से इस योजना के पूरे होने का समय मार्च 2022 तक बढ़ा दिया गया है और हवाला दिया गया है कि कोरोना के चलते यह काम देरी से हो रहा है। इस योजना में पहले जो एजेंसी काम कर रही थी उस पर काम में देरी करने को लेकर विभाग की तरफ से 12,79,00,000 रुपए का जुर्माना लगाने की कार्रवाई भी की जा चुकी है। पलवल से हमारे संवाददाता रतन सिंह की रिपोर्ट। बहुत बढ़िया बन रही है। अब इन मगर रिक्शा भी नहीं जाता बिल्कुल भी। हाँ, और बहुत चोट लग जाती है, जब बारिश होती है तो गिर जाते हैं, जाते जाते गिर जाते हैं। किस तरह की दिक्कतें हैं? अब ये खुदा पड़ा है, अभी हमें निकला भी नहीं जाता जी। पैर टूटने का भी खतरा रहता है जी, एक्सीडेंट हो जाते हैं जी। इसको लेके अधिकारियों से मिले हैं आप लोग? अधिकारी से मिले हैं जी, कोई सुनाई नहीं करता। विधायक से मिले हैं। कितने समय से हालात है? तीन साल हो गए जी। नगर परिषद में अमृत पर जो कार्य था वो नवंबर 18 में इसको अलॉट हुआ था एजेंसी को। जो एक्चुअल डेट तो 20 यानी 2020 तक होना था, लेकिन वो कोविड की वजह से 21 में डेट एक्सटेंड हो गई। तो इसका जो फाइनल हमने टारगेट डेट दिया है कि कोविड दो बार आ चुका है तो डिले हुआ है कोविड की वजह से, कुछ एजेंसी या कुछ हिंड्रेंसेज की वजह से, तो मार्च 2022 तक इसका लास्ट टाइम है इसका कंप्लीट करने का। जहाँ तक ख्याल है उसका, जहाँ तक बात है इसकी, तो एजेंसी को हमने इसके लिए पेनलाइज भी किया हुआ है, दो एजेंसी को पेनलाइज किया हुआ है। और जो सड़क में गड्ढे वगैरह या वो चीज़ हो रही है, रजिस्ट्रेशन का कार्य हमारा चल रहा है, अभी बारिश की वजह से रजिस्ट्रेशन में थोड़ी दिक्कत आ रही है, तो हम इसको जल्द से जल्द ही पूरा करा देंगे और 2022 तक, मार्च 2022 तक इसका फंक्शन कर देंगे। ऐसा हमें जानकारी मिली है कि इस तरह से इतना बड़ा प्रोजेक्ट है लगभग 200 करोड़ का, इसमें कुछ कंट्रेन ठेकेदार नीचे काम कर रहे हैं जिनकी जो काम बिल्कुल ठीक नहीं है, ऊँची नीची लाइन डाल रहे, तो आज परेशानी नहीं है जिससे? देखिए, इसमें जो मेन एजेंसी ने और पैटी कॉन्ट्रैक्टर को दिया उसको हम भी देख रहे हैं, अगर जो हमें कोई भी ऐसी चीज़ पाई जाती है तो हम उसके संज्ञान में आती है तो हम उस पर कार्रवाई करते हैं, उखड़वा के दोबारा सही भी कराते हैं। जहाँ तक पानी की वाली बात है, पानी की जो लाइन हमेशा प्रेशर से चलती है तो उसमें कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। मेन हमारा सीवर जो, अगर उसमें अलाइनमेंट सही नहीं होता तो दिक्कत हो सकती है, तो उसको हम चेक भी कर रहे हैं, टेस्टिंग भी कर रहे हैं उसके साथ साथ, जिससे फ्यूचर भविष्य में कोई दिक्कत ना आए। हमारे फेसबुक पेज को लाइक, फॉलो और शेयर करें, साथ ही यूट्यूब चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ताज़ा खबरों के लिए बेल आइकॉन को दबाना न भूलें।